चाचा प्रणाम। खुश रहा बबनी। चाचा रीता बाड़ी। रसोई में बाड़ी जाके मिल ल। अरे रीता तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, कुछ 20-25 दिन से खांसी है, कल तिलहवा बाबा के पास जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। कुछ दिन के बाद सीमा फिर से रीटा को मिलने के लिए उसके घर आती है। हेलो रीता। हेलो। अरे रीता तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हुई अभी? नहीं यार अभी कहाँ। तुम तो कह रही थी कि तिलहवा बाबा के पास जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, क्या हुआ, नहीं गई थी? गई थी पर वो उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं तो उसी दिन तुम्हें रोकने वाली थी पर तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर चुप हो गई थी। खैर छोड़ो, चलो डॉट्स सेंटर। डॉट्स सेंटर, ये क्या होता है? डॉट्स भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसमें टीबी के मरीजों को मुफ्त में इलाज व दवा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें और क्या होता है? अरे सारी बातें यही जान लोगी, चलो अब चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताइए क्या बात है? सर रीता को लगभग 1 महीने से खांसी है। 1 महीने से खांसी? अभी तक क्या कर रही थी आप? देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप रोना बंद करिए और मैं ये जांच लिख देता हूँ, आप करा लीजिए और रिपोर्ट दिखाइए मुझे। कौन कौन सी जांच है सीमा, देखना जरा, मेरा तो जी घबरा रहा है। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। मुफ्त में कैसे जांच होगी, जांच करानी है तो पैसे तो लगेंगे ही ना? नहीं, जांच के पैसे नहीं लगते हैं। चलो इस डिब्बे में अपने बलगम का सैंपल लेकर आओ और लैब वाले को दे दो, अभी एक्सरे भी होनी है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सर, ये रही रिपोर्ट। रीता देखिए सब ठीक है पर आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। सर मैं रीता को संभाल लूंगी, आप ये बताइए आगे क्या करना है। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ और आज से इनके खान पान और सफाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब आप घर जाइए, बाकी बातें आपको हमारा डॉट्स प्रोवाइडर समझा देगा। रीता डॉक्टर के यहाँ गैल रलुआ का भइल? पापा मुझे टीबी हो गया है। टीबी? अब तहर का होई, तारा से गे बिया करी। कुछ देर के बाद राजेश जो कि एक डॉट्स प्रोवाइडर है सोहन के घर आता है। सोहन चचा बड़ा हो? हाँ राजेश बबुआ, आव का चलला हा? चाचा रीता के टीबी भइल बानू, ओकरे दवा खिलावे आइल हई। दवाई खियावे आ तू इत? अरे चाचा टीबी के मरीज के दवाई डायरेक्ट ना दियाला, छोड़ा हम का समझाई। रीता तू है दवाई खाला, हम सुबह फिर आएं। ठीक बा भैया। और इसी तरह रीटा का इलाज अगले 6 महीने तक चलता रहता है। हाय सीमा। हाय कैसी हो रीता? अच्छी हूँ तुम्हारी बदौलत, थैंक्स। अरे रीता दोस्ती का वसूल भूल गई, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। अरे बाबा ठीक है सॉरी। फिर से सॉरी? अच्छा अब नहीं बोलूंगी। क्या टीबी होने पर किसी तेलहवा बाबा या हकीम के पास जाना एक सही निर्णय है? टीबी के लक्षण दिखते ही तुरंत प्रशिक्षित डॉक्टर को दिखाएं,
सरकारी अस्पताल में टीबी का पक्का और मुफ्त इलाज होता है। खुश रहा बबनी। चाचा रीता बाड़ी। रसोई में बाड़ी जाके मिल ल। अरे रीता तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, कुछ 20-25 दिन से खांसी है। कल तेलहवा बाबा के पास जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। कुछ दिन के बाद सीमा फिर से रीटा को मिलने के लिए उसके घर आती है। हेलो रीता। हेलो। अरे रीता तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हुई अभी? नहीं यार, अभी कहाँ। तुम तो कह रही थी कि तिलहवा बाबा के पास जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, नहीं गई थी? गई थी पर वो उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं तो उसी दिन तुम्हें रोकने वाली थी पर तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर चुप हो गई थी। खैर छोड़ो, चलो डॉट्स सेंटर। डॉट्स सेंटर, ये क्या होता है? डॉट्स भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसमें टीबी के मरीजों को मुफ्त में इलाज व दवा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें और क्या होता है? अरे सारी बातें यही जान लोगी, चलो अब चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताइए क्या बात है? सर रीता को लगभग 1 महीने से खांसी है। 1 महीने से खांसी? अभी तक क्या कर रही थी आप? देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप रोना बंद करिए और मैं ये जांच लिख देता हूँ, आप करा लीजिए और रिपोर्ट दिखाइए मुझे। कौन कौन सी जांच है सीमा, देखना जरा, मेरा तो जी घबरा रहा है। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। मुफ्त में कैसे जांच होगी, जांच करानी है तो पैसे तो लगेंगे ही ना? नहीं, जांच के पैसे नहीं लगते हैं। चलो इस डिब्बे में अपने बलगम का सैंपल लेकर आओ और लैब वाले को दे दो, अभी एक्सरे भी होनी है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सर, ये रही रिपोर्ट। रीता देखिए सब ठीक है पर आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। सर मैं रीता को संभाल लूंगी, आप ये बताइए आगे क्या करना है। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ और आज से इनके खान पान और सफाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब आप घर जाइए, बाकी बातें आपको हमारा डॉट्स प्रोवाइडर समझा देगा। रीटा डॉक्टर के यहाँ गैल रलुआ का भइल? पापा मुझे टीबी हो गया है। टीबी? अब तहर का होई, तारा से गे बिया गोरी। कुछ देर के बाद राजेश जो कि एक डॉट्स प्रोवाइडर है सोहन के घर आता है। सोहन चचा बड़ा हो? हाँ राजेश बबुआ, आवो का चलला हा? चाचा रीता के टीबी भइल बानू, ओकरे दवा खिलावे आइल हई। दवाई खियावे आ तू इत? अरे चाचा टीबी के मरीज के दवाई डायरेक्ट ना दियाला, छोड़ा हम का समझाई। रीता तू है दवाई खाला, हम सुबह फिर आएम। ठीक बा भैया। और इसी तरह रीटा का इलाज अगले 6 महीने तक चलता रहता है। हाय सीमा। हाय, कैसी हो रीता? अच्छी हूँ तुम्हारी बदौलत, थैंक्स। अरे रीता दोस्ती का वसूल भूल गई, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। अरे बाबा ठीक है, सॉरी। फिर से सॉरी? अच्छा अब नहीं बोलूंगी।
टीबी के लक्षण दिखते ही तुरंत प्रशिक्षित डॉक्टर को दिखाएं। सरकारी अस्पताल में टीबी का पक्का और मुफ्त इलाज होता है।